हमारे सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटी में हर कुछ एड ऑन होता है। अगर कुछ लैकिंग होती है तो वो है मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस, क्योंकि कभी कभी हम खुद से दूसरों से तुलना कर लेते हैं खुद की, और उसके बाद हम डिमोटिवेट सा महसूस करते हैं, और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें दूसरों से कंपेयर कर देते हैं तो हमें निराशा लगती है। अब ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपकी दोस्त शिप्रा है ना, हर रोज आपके लिए नई कहानी चलाती है। हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा, हर रोज की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई कहानी लेकर। और एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी है जो आपकी जिंदगी थोड़ी बदल देगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंसान जीवन में कुछ भी कर सकता है, यदि वो चाह ले तो जीवन के कई असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। एक ऐसी कहानी लेकर मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ। शाम हो चली थी, लगभग 6:30 बज चुके थे। एक होटल में किनारे वाली टेबल लगी थी, सिगरेट के कश के साथ साथ एक व्यक्ति चाय की चुस्की ले रहा था। सामने वाली टेबल पर एक आदमी अपनी 9-10 साल की लड़की को लेकर आया और बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था, ऊपर की 2 बटने गायब थी, पैंट भी मैला था, रास्ते पर खुदाई करने वाला मजदूर जैसा लग रहा था। लेकिन लड़की जो उसके साथ आई थी, लड़की का फ्रॉक धुला हुआ था और उसने बालों में कुछ अच्छा सा लगा रखा था। उसके चेहरे पर हंसी थी और वो बड़े कौतूहल से पूरे होटल को इधर से उधर देख रही थी। उनके टेबल के ऊपर ही एक पंखा लगा था, उसे वो बार बार देख रही थी जो उनको ठंडी हवा दे रहा था। सोफे पर बैठना भी लड़की को बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी समय वेटर आया और 2 ग्लास ठंडा पानी लाकर उनके सामने रख दिया। फिर उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा का ऑर्डर किया। ये ऑर्डर सुनकर लड़की के चेहरे की खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर वेटर ने पूछा कि तुम्हारे लिए क्या ले आऊं, तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही समय में गर्मा गर्म डोसा भी आ गया, साथ में चटनी सांभर भी। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई और वो उसकी ओर उत्सुकता से देखकर पानी पी रहा था। इतने में उसका फोन बजा, वही पुराना वाला फोन था जिसे उसने निकाला, और उसके मित्र का शायद वो कॉल था। वो बता रहा था कि आज उसकी लड़की का जन्मदिन है और वो उसे लेकर होटल में आए हैं। फोन पर बताया कि उसने अपनी लड़की को कहा था कि यदि वो अपनी स्कूल में पहला नंबर लेकर आएगी तो उसे उसके जन्मदिन पर डोसा खिलाएगा, और वो डोसा खा रही है। तभी सामने बैठे उस युवक ने उनकी सारी बातें सुनी। अब वो फोन पर जिससे बात कर रहा था उससे बताया कि नहीं यार, हम दोनों कैसे खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ, मेरे लिए घर में बेसन और भात बना हुआ है, मैं घर जाकर वही खा लूंगा। उसकी बातों में व्यस्त युवक गर्म चाय की चुस्की ले रहा था। वो वास्तविकता में लौटा और उसने सोचा कि कोई कैसा भी हो, अमीर या गरीब, दोनों ही अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उठा और काउंटर पर जाकर अपनी चाय और 2 डोसे के पैसे दिए और कहा कि उस आदमी को एक और डोसा दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उसे कहना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी, आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है, वो स्कूल में पहले नंबर पर भी आई है, इसलिए होटल की ओर से तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए इनाम है, उसे आगे चलकर इससे भी अच्छा पढ़ाई करने के लिए बोलना, मगर भूल कर भी मुफ्त का शब्द उपयोग मत करना। फिर होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि ये बिटिया और उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया, उनका जिम्मा आज हमारा है, आप ये पुण्य कार्य और किसी अन्य जरूरतमंद के लिए कीजिएगा। वेटर ने एक और डोसा उस टेबल पर रख दिया। वो युवक बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिता हड़बड़ा गया और बोला मैंने तो एक ही डोसा बोला था। तब मैनेजर ने कहा कि अरे तुम्हारी लड़की स्कूल में पहले नंबर पर आई है, इसलिए इनाम में आज होटल की ओर से तुम दोनों के लिए डोसा दिया जा रहा है। उस पिता की आंखें भर आई और उसने अपनी लड़की को कहा देखा बेटी, ऐसे ही पढ़ाई करोगी तो देखो क्या क्या मिलेगा। उस पिता ने वेटर को कहा कि क्या मुझे ये डोसा बांध कर मिल सकता है, यदि मैं इसे घर ले गया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा लेंगे, उसे ऐसा खाने को नहीं मिलता है। तो वेटर ने कहा कि जी नहीं, आप अपना डोसा यहीं खा लीजिए, आपके घर के लिए मैंने एक और तीसरे डोसे और मिठाइयों का एक पैक अलग से बनवा दिया है, आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का बर्थडे धूमधाम से मनाइएगा और मिठाइयाँ इतनी दी हैं कि आप पूरे मोहल्ले को बांट सकते हैं। ये सब सुनकर उसकी आंखें खुशी से भर आई, इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, अच्छे काम के लिए एक कदम आप आगे तो बढ़ाइए, बहुत फायदा मिलेगा, फिर देखिए आगे आगे क्या होता है और लोग कैसे आपकी मदद भी करते हैं।
तो इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने अपने मन में कुछ ठान लिया है, कुछ करने की सोच ली है, तो जितनी भी आपके आसपास गलत घटनाएं आपके साथ हो रही हैं वो सब सही होती जाएंगी। इसलिए आप एक बार कदम बढ़ाकर तो देखिए। हजारों किलोमीटर की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है, वो कदम उठाइए तो सही। देखिए कैसे सब कुछ आपका अपना सा हो जाता है और आपके हर कुछ आपके फेवर में होना शुरू हो जाता है। कैसे लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और गुड नाइट विद शिप्रा की और भी स्टोरीज को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर गुड नाइट विद शिप्रा सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारी कहानियां मिल जाएगी। जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेज।